नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मैटर्स में। और आज का ये वीडियो बहुत खास है और कोविड के दौरान जिन भी व्यक्तियों की डेथ हुई थी उसका मुआवजे का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, किस तरह से वो अप्लाई होगा, क्या उसमें भरना होगा, क्या क्या दस्तावेज आपको देने होंगे, आज इस वीडियो पे मैं बात करूंगा। साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी अपने फादर को कोविड के दौरान खोया और बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिसमें डेथ हुई। और अब सरकार आपको 50,000 रुपये का मुआवजा उसमें दे रही है। आपको कुछ चीज़ों को अपलोड करना होगा। आप अगर अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप जाकर ऑफिस जाकर भी अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगेन आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं जब भी वीडियो हमारी आए। देखिए, अभी मेरे पास जो डिटेल आया है वो यूपी का आया है। जैसे जैसे और स्टेट्स का आता जाएगा मैं आपको स्टेट्स के बारे में बताता रहूंगा। अगर आपके घर में भी किसी की डेथ कोविड से हुई है तो आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि मैं अभी आपको लैपटॉप पर दिखाऊंगा। उस वेबसाइट पर जाके आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और जो उसके वारिस हैं, जैसे मान लीजिए आप कई सारे भाई बहन हैं, तो उनका एक वारिस नामा भी लगेगा कि कौन बिहाफ पर ले रहा है। अगर आप सिंगल हैं तब भी आपको वारिस नामा वहां पर बनवाना पड़ेगा। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया है वेबसाइट पर कि वारिस नामा आपको कहां से बनवाना है, आपको कोर्ट से बनवाना है या आपको तहसील से बनवाना है, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। ये आप कमिश्नर ऑफिस या कलेक्ट्रेट में जाके पता कर सकते हैं। मैं जो वीडियो में आपको दूंगा उसमें आपको ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा दूंगा फॉर्म, वो फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ साथ आपको वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप जो है उस वेबसाइट पर जा सकें। देखिए, एक तो आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चाहिए, जो आरटीपीसीआर आपने जब कराया, जिससे ही पता लगा कि आपके जो व्यक्ति हैं या महिला हैं उनको कोविड हुआ है। साथ साथ आपको एक बैंक स्टेटमेंट की पासबुक की आपको फोटोस्टेट चाहिए होगी। ये जो बैंक स्टेटमेंट की फोटोस्टेट चाहिए होगी ये आपकी चाहिए होगी, क्योंकि पेमेंट जो आएगी वो आपके अकाउंट में आएगी। जो मृतक है उनका तो अकाउंट आपने बंद करा दिया होगा, और वैसे भी उनके में नहीं आएगा, जो क्लेम करेगा उसी के अकाउंट में ये पैसा आएगा। साथ साथ आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आपको वहां पर डालना होगा, अपलोड करना होगा, और सारी डिटेल्स आपको वहां पर फिल करनी होंगी जिनकी डेथ हुई है, उनका नाम, उनका आधार कार्ड, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अब लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से आपको सारी चीजें फिल करनी है। तो दोस्तों, आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है rahat.up.nic.in। ये जैसी वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोविड 19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों का परिजन को 50,000 रुपये का अनुग्रह सहायता, इस पर आपने क्लिक करना है। साथ साथ अगर आप पूरा आदेश पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद ये पूरा आदेश जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। और ये 18 अक्टूबर 2021 तक जिनकी स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज डेथ हुई है उसको यहाँ पर उन्होंने लिया गया है। तो यहाँ पर जैसे मुरादाबाद में अगर हम देखें तो मुरादाबाद में 349 मौत इन्होंने जो है वो दिखाई है 18 अक्टूबर 2021 तक, सुबह 6 बजे तक की ये रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। और इसी के नीचे एक फॉर्म भी यहाँ पर लगा हुआ है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैंने PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर मैंने आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप कमिश्नर ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में भी जाकर इस चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आवेदन पत्र पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन पत्र पर क्लिक करेंगे सर, तो आपके पास सेम जो दिशा निर्देश हैं वो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। और फॉर्म का मैंने आपको बता ही दिया। इसमें आपको देखिए चार चीज़ें मांगी गई हैं। पहला ये है कि आवेदन जो है उसमें ये RT-PCR का जो है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके जो सर्टिफिकेट है या कहूँ ऑनलाइन निकाल लीजिएगा, और नहीं निकलता है तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको। और इसमें मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको मिला होगा नगर निगम से, वो आपने डालना है। बैंक की पासबुक जो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी डालनी है, और वारिस प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर डालना है।
उसके बाद आपने आवेदन पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो उसकी स्थिति को भी आप जान सकते हैं कि रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। आप संशोधित भी उसमें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। आवेदन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी से आप अपना जो सत्यापन कर लेंगे। उसके बाद आपको जिनकी डेथ हुई है उनका नाम डालना है, उनका लिंक डालना है, उनके पिता का नाम या पति का नाम डालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पापा की डेथ हुई, तो उनके जो आधार कार्ड पर जो पिता का नाम है या जो भी उनकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको भर देनी है। तो यहाँ पर आपको कोविड कब हुआ था उनको उसकी डिटेल आपने डालनी है। मतलब आरटीपीसीआर जब आपने कराई उसमें क्या जो रिपोर्ट आई उस वो कौन सी डेट थी वो आपने यहाँ पर डालनी है। किस दिन उनकी डेथ हुई जो आपकी मृत्यु प्रमाण पत्र में है वो आपने डालनी है। आपका शहरी है ये ग्रामीण है वो आपने डालना है। अपना जनपद आपने डालना है, तहसील आपने डालनी है, ब्लॉक आपने डालना है, ग्राम पंचायत आपकी कौन सी लगती है वो डालनी है। ये सब आप जैसे ही भरोगे सब आ जाएगी अपने आप। उसके बाद आपको आधार कार्ड का सत्यापन करने के लिए यहाँ पर डालना है, और आधार कार्ड आपने यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपको आपका क्या संबंध है मृतक के साथ वो आपने भरना है। आप पिता हैं, माता हैं, बहन है, पति है, पत्नी है, पुत्र हैं, अन्य है। उसका आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, शाखा, आईएफएससी कोड, खाता संख्या और ईमेल आईडी अगर आपकी है तो वो भी आपने डालनी है। क्या आवेदक के अतिरिक्त अन्य वारिसों का सहमति पत्र उपलब्ध है? अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पर, कि अगर आपके भाई बहन एक से ज़्यादा हैं, मान लीजिए आपके पिताजी की डेथ हुई है और आपके भाई बहन ज़्यादा हैं, तो आपके पास सभी का वारिसनामा सहमति पत्र होना चाहिए, जिसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। जो आवेदक है जो कर रहा है उसके पास, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि जो आप करेगा अप्लाई इसके लिए कि अपने आप को क्लेम ही दिखाएगा, उसके बाद बाकी सबका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या सहमति पत्र यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपने आरटीपीसीआर का जेपीजी फाइल, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आपने यहाँ पर डाल देनी है, और आपने जो है सिक्योरिटी कोड भर के आप अपने जनपद स्तर पर भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट को सुरक्षित भी कर सकते हैं। इस फॉर्म को भर के आप प्रिंट करा लीजिए और आप जनपद स्तर पर प्रेषित भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करा के भी सबमिट कर सकते हैं और जनपद स्तर पर भी प्रेषित कर सकते हैं। तो जो आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट होगी जहाँ पर एनआईसी का सेंटर होगा वहाँ पर ये चीज़ फिर आगे प्रोसीव कराई जाएगी, अगर आपने सारा विवरण सही भरा होगा तो। तो ये सर यही एक फॉर्म है जो आपने भरना है, और बस इस फॉर्म पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से भरिएगा। इसमें कोई भी गलती ना आप ना करें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ साथ टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।